रास्ते में जी वहाँ से कचानी चौक से दो भाई और स्टाफ तो मजनू टीले पास में वहाँ पे तीन आदमी मतलब बाइक पे आए बोले तो धक्का दे गए दोनों बैग खोज के ले गए उनसे। नमस्कार, मैं हूँ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहाँ दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। और अगर आपको हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देश की राजधानी दिल्ली के मजनू के टीला इलाके में शाम के 6:30 बजे के आसपास तीन बाइक सवार चोर स्कूटी पर जा रहे लोगों की 1.25 करोड़ की राशि, जी हाँ 1.25 करोड़ जितनी बड़ी रकम जो है वो चोरी करके ले जाते हैं, उनसे बैग छीन के ले जाते हैं, जिसके बाद ये पुलिस को कंप्लेंट करवाते हैं। आइए उन्हीं से एक बार जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। जी सर, ये लूटपाट जो हुई है 1.25 करोड़ की, ये आपके साथ हुई है? नहीं बेटे, भाई साहब स्टाफ था जी। अच्छा, तो ये क्या पूरा मामला था, आप हमें बता सकते हैं? पेमेंट लेके चला था रास्ते में जी वहाँ से कचानी चौक से दो भाई और स्टाफ तो मजनू टीले पास में वहाँ पे तीन आदमी मतलब बाइक पे आए बोले तो धक्का दे गए दोनों बैग खोज के ले गए उनसे। तो फिलहाल जो ये आपने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई इस पूरे मामले को, पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? पूरा सपोर्ट दे रहे हैं जी, वो मतलब लगे हुए कार्रवाई में, लगता ही है 99% भी कवर हो जाएगा हमारा मतलब। और कौन से थाने में आपने लिखवाई? ये मजनू टीला थाने में। किस तरह चोरी हुई, क्या चोरों को पहले से कोई रेकी रखी हुई थी उन्होंने? मैडम कह नहीं सकते उस मामले में चाहिए, पीछे से लगे हुए हैं या क्या हुआ क्या नहीं। इससे पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, फर्स्ट चांस हुआ मैडम। तो अभी फिलहाल आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो ये है पुलिस से भी हमारे कवर करवाया जाए जैसे भी हो। अच्छा, आप अपनी जो रकम इतनी बड़ी रकम चोरी, कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, भी आदमी भूल जाए चाहिए मतलब चाहिए। तो आपका ये जो कारोबार है इसी से रिलेटेड कुछ पेमेंट थी? हाँ, इसी में स्टील पाइप। पुलिस भी आपकी पूरी सहायता कर रही है? सहायता कर रही है जी, पूरे फुल प्रेशर लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है अभी चुप बैठे वो नहीं है। कुल कितने लोग आए थे? हाँ जी, कुल कितने लोग थे? तीन लोग थे। और आपके जो भाई है और आपके जो कर्मचारी है उन्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ? उनका नुकसान नहीं हुआ जी, को लगी नहीं उनके कुछ भी नहीं हुआ जी। वो लोग बाइक पे थे या गाड़ी में थे? ये वो बाइक पे आए थे, ये स्कूटरी पे थे जी, एटर्न पे जी, एक्टिवा पे। आपकी किसी से दुश्मनी हो या किसी को? कुछ नहीं है जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मामली चोरी का बस वही है जी। वो कितना समय हो रहा था उस वक्त? उस टाइम ये आपको मान के चलो 6:30 बजे के बाद रिपोर्ट, शाम को जी चाहिए, इसी टाइम की बात ही है मान के चलो आप जी। आपको खबर इसकी उसी वक्त मिल गई होगी? हाँ, तो रिपोर्ट मिल गई, मेरे भाई का फोन आ गया था मेरे पास में। फिलहाल हम उस कारोबारी से जुड़े और उन्होंने हमें बताया कि चांदनी चौक से वो लौट रहे थे अपने वापस आने के लिए अपने घर पर। वो रकम उनके पास 1.25 करोड़ की थी, जी हाँ 1.25 करोड़ जितनी बड़ी रकम उनके पास थी। और उसके बाद जब वो रास्ते में जा रहे थे तो तीन बाइक सवार चोर उन्हें पीछे से घेरते हैं और उनका जो बैग है वो चोरी करके ले जाते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि पुलिस जो है इस पूरे मामले की जाँच में जुटी है और ये जो पूरी वारदात है शाम के 6:30 बजे की है। जी हाँ, शाम के 6:30 बजे वो बेखौफ चोर इतने हौसले बुलंद होकर बैग छीनने की हिम्मत रखकर उनका बैग छीन के ले जाते हैं। फिलहाल इनकी यही मांग है कि पुलिस को जल्द से जल्द जो है इनकी जो रकम चोरी हुई है इतनी बड़ी रकम वो जल्दी से जल्दी पुलिस रिकवर करवा सके। साथ इनका कहना है कि पुलिस जो है इस मामले में पूरी इनकी सहायता भी कर रही है। ये जो केस है मजनू का टीला थाने में गया और पुलिस इस पूरे मामले में इनकी सहायता भी कर रही है और शायद चांसेस है कि इनकी जो रकम है इन्हें वापस भी मिल जाए। अभी अपनी राय इस पूरे मामले में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेजतर्रार न्यूज़ दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।